गड़बड़ी हुई, और आधी गड़बड़ी हुई नहीं, मैंने लेकर के 13वें शती से लेकर के, और ये गड़बड़ी 20वीं शती तक है, जिन्होंने ये नहीं देखा कि गांधर्व संगीत ही एक विशिष्ट प्रकार का संगीत। मैं इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि गांधर्व एक सामान्य अर्थ में है और विशेष, विशेष माने टेक्निकल अर्थ में। तो सामान्य अर्थ में तो सभी गांधर्व है, सद्या फलति गांधर्वम, गांधर्व का असर फौरन होता है, वहां सामान्य अर्थ। खारवेला के इंस्क्रिप्शन मिला कोई सेकंड सेंचुरी बीसी का उड़ीसा में, उसमें गांधर्व प्रिया उस राजा को बताया है। मैंने इसको म्यूजिक अच्छा लगता था, कोई विशेष भरत का गांधर्व सीधे मतलब नहीं है, वहां गांधर्व प्रिया ऐसा लिखा हुआ है। हर्ष के उसमें भी आपने देखा होगा कि बैठ करके वो वीणा बजा रहा है, और उसको भी लिखा है गांधर्व बुधा, गांधर्व का जानने वाला, मन संगीत का जानने वाला। तो सामान्य अर्थ में तो सब कुछ गांधर्व, परंतु विशेष अर्थ में गांधर्व एक विशेष प्रकार की गायकी, विशेष प्रकार का वाद्य, विशेष प्रकार का नृत्य, ये गांधर्व। और उसी विशेष अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे गांधर्व को, सामान्य अर्थ में तो सब कुछ गांधर्व का कहना ही पड़ेगा। जी हाँ, दत्तिलम और नाट्यशास्त्र के अलावा नान्य देव का भरत भाष्य, तो नान्य देव का भरत भाष्य जो है वो दो खंड तो प्रकाशित हो चुका है वहां से खैरागढ़ से, तीसरा खंड भी प्रकाशित नहीं हुआ, और अपूर्व ग्रंथ है, क्योंकि जितने डिटेल में वो नान्य देव राजा गया है उतने डिटेल में और कोई नहीं गया है। दुर्भाग्य यही है कि जो उसने नोटेशन अपना लिखा है उस नोटेशन का कोई संकेत कहीं है नहीं कि क्या समझा जाए, इससे अंदाज लगाना पड़ता है, इतना ही दुर्भाग्य। लेकिन डिटेल बहुत है, डिटेल बहुत है, मैंने सप्त गीतक जो भरत के हैं, 7 प्रकार के गीतक, उसमें ताल का इतना पेच है, प्रत्येक लाइन में ताल बदलता चला जाता है, कि जितना प्रकाश नान्य देव ने डाला है, और आश्चर्य ये होता है कि नान्य देव जो है वो साउथ का किंग था और तिरहुत जीत लिया था उसने यहाँ आकर के नॉर्थ में, तिरहुत का राज्य उसके हाथ में आ गया, और तिरहुत जीत करके फिर नेपाल तक पहुंचा, वो नेपाल का राज्य फिर उसके हाथ में आ गया, और उसके संगीत के प्रभाव से नेपाल में भी गांधर्व का संगीत बहुत काफी फैला, यहां तक कि प्राचीन संगीत थोड़ा बहुत यदि कहीं जीवित है तो नेपाल। मैंने एक बुढ़िया थी नेपाल की, मेरे एक रिश्तेदारी लगते हैं टीएल राणा उनका नाम है, तो उनकी फूफी लगती थी उसको, 1000 द्रुपदियां, और काशी में ही आकर के वो मरी 90 वर्ष की अवस्था में, मैं उससे मिला था, और कम से कम मैंने 300-400 द्रुपद उसके मुंह से सुने, और शुद्धा भिन्ना बेसरा गौड़ी, ये जो आप गीत के प्रकार पाते हैं शास्त्रों में, ये पूरा अब भी टीएल राणा को याद है, और भारत भर में कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत बारके की बात है, तो उसी के द्वारा, नान्य देव के द्वारा ही नेपाल तक, चूंकि उसने नेपाल भी जीत दिया था, तो नेपाल तक वो संगीत जाके पहुंच गया। ये 3 ग्रंथ जो हैं गांधर्व संगीत पर हमको मिलते हैं। शारंगदेव ने गांधर्व और मार्गी दोनों को एक माना कि नियम के अनुसार जो संगीत बने, जो देशी संगीत था वो समझते थे कि उतना नियमबद्ध नहीं है, और जो नियमबद्ध संगीत है
वो उसको ये चाहे हम गांधर्व कहें चाहे मार्गी कहें। डॉक्टर मुकुंद लाट ने लिखा कि मार्गी और गांधर्व एक नहीं है, परंतु मार्गी शब्द जो है वो गांधर्व से भी अधिक प्राचीन है। माने वेदों में मार्गी शब्द आया है, और मार्गी शब्द जो केवल संगीत के लिए नहीं आया है, चित्रकारी के लिए भी मार्गी आया, मार्गी शब्द आया है। दो का तो मैंने पाया, और संभवतः नृत्य के लिए भी। मैंने जो क्लासिसिज्म के है, क्लासिक रूल्स के अनुसार जो कला है वो सब मार्गी कहलाता है। मार्ग माने एक रास्ता पकड़ करके जो चले वो सब मार्गी संगीत कहलाता है। तो लाट से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मार्गी शब्द वो समझते हैं कि मार्गी शब्द जो है वो शारंगदेव के समय से आया है, परंतु ये शब्द उसको वेद में भी मिला है और गांधर्व से अधिक प्राचीन है मार्गी शब्द। तो शारंगदेव ने मार्गी और गांधर्व को एक ही माना है, लेकिन एक मानना ठीक नहीं है, वैसे तो शब्द बहुत प्राचीन है। मैं बताऊंगा क्यों आगे चल करके। तो देशी संगीत जो हमारा है उसको गान कहा है उन्होंने, भरत ने विशेषकर। सामान्य अर्थ में सब कुछ गो को गाया जाए वो सब गान है, विशेष अर्थ में देशी संगीत को उन्होंने गान कहा है, और कहा है ध्रुवा जब वो का गान होगा। माने नाटक में ध्रुवा गान होता था, जब नाटक प्रारंभ होता था तो प्रत्येक अंक में एक गान होता था, जैसे प्रावेश की प्रवेश के समय प्रावेश की ध्रुवा गान होता था, ऐसे निष्क्राम के समय जाते समय निष्क्राम ध्रुवा गान होता था। वो ध्रुवा गान सब उन्होंने कहा गांधर्व का नहीं होगा, भरत ने स्वयं लिखा वो ध्रुवा गान जो है गान में होगा। अब वहां गान विशेषत माने क्या, वो गान क्या है, ग्राम राग, भाषा विभाषा, देशी राग जितने हैं उनमें होगा। इसका कारण हम आगे देखेंगे चल करके, क्यों भरत ने ऐसा कहा। तो ये एक जो लोगों की धारणा है कि जब गांधर्व राग की अवनति होने लगी, उसका पतन होने लगा, उसके बाद हमारे सब ये राग देशी राग निकले, ये गलत है। यदि भरत के समय में वो देशी राग न होते तो भरत क्यों कहते कि ध्रुवा में सब गान हो, उनके समय में विद्यमान थे, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू स्थेटिक्स वैल्यू जितना इसमें था गान में वो उनके गांधर्व में नहीं। और नाटक में जब पूर्व रंग में तो जात का उन्होंने विधान किया है कि जात का गायन होगा, क्योंकि उनका जो गांधर्व गान था वो आगे हम और विशेषताएं देखेंगे, दूसरा लेक्चर इसी पर होगा कि विशेषताएं क्या थी गांधर्व की। उनका जो गांधर्व था वो रिचुअलिस्टिक म्यूजिक, भगवान की प्रार्थना ये सब करना, पूजा करना, ये सब रिचुअलिस्टिक माने वेद की परंपरा में वो गांधर्व गान था। वैदिक संगीत के जैसे वैदिक संगीत में कोई श्रृंगार की बात नहीं आ सकती है, वैदिक संगीत में कोई हास्य रस नहीं आ सकता है, वैदिक संगीत केवल रिचुअलिस्टिक म्यूजिक है, उसी की परंपरा ने सारा गांधर्व संगीत और सारा जाति गायन उसी की परंपरा, सब शंकर की स्तुति वो लोग गाते थे। परंतु जब नाटक चल रहा है तो सरकारी स्तुति से तो काम चलेगा नहीं, वहां तो श्रृंगार भी है, हास्य भी है, अद्भुत भी है, विभत भी है, सब कुछ है, तो वहां के लिए वो संगीत उपयुक्त नहीं था। इसलिए भरत ने ये विधान किया है कि उसमें सब गान होगा, गांधर्व नहीं होगा। गान होगा माने देशी संगीत होगा। अब जब देशी संगीत का टर्न आएगा तो हम और उसकी विशेषताओं को देखेंगे, अभी तो इतना ही समझ लेना है कि तो क्या देशी संगीत फोक म्यूजिक था,
में। वैसे तो कलिनाथ ने लिखा है कि जिसमें कोई सिद्धांत न हो, जिसकी कोई मूचना न हो, जिसकी कोई ग्राम न हो, वो सब देशी संगीत। माने क्या है, एक कंक्लूजन हुआ है, फोक म्यूजिक को देशी संगीत कहने लग गए। देशी संगीत फोक म्यूजिक नहीं है, लोक संगीत नहीं है, वो रीजनल म्यूजिक है। एक एक रीजन में, एक एक देश में, एक एक रीजन में जो लोक संगीत का डेवलपमेंट हुआ है, लोक संगीत के आधार पर जो कुछ नियम बना करके उसको परिष्कृत किया गया है, सुधारा गया है, सौंदर्य और सुशोभित किया गया है, वो है देशी संगीत। माने क्या, वो फोक म्यूजिक जब मार्गी बन गया तब वो देशी संगीत हो। तो सच पूछिए तो मार्गी देशी संगीत, मैं तो यही शब्द प्रयोग करता हूं, मार्गी देशी संगीत है। आज जो हमारा संगीत जीवित है वो मार्गी देशी संगीत, ना तो बिल्कुल फोक म्यूजिक है, ना गांधर्व म्यूजिक है, ना वैदिक संगीत है, मार्गी देशी संगीत। मार्ग के अनुकूल है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई नियम नहीं, सारा नियम मौजूद है। तो आज तो केवल हम एक जनरल इंट्रोडक्शन यही देखें कि वैदिक संगीत, फिर गांधर्व संगीत, और फिर उसके बाद मार्गी देशी संगीत। बात कहने का मतलब नहीं, कालांतर नहीं है, माने तीन प्रक्रम में हमारा संगीत का विकास हुआ है, हमारे संगीत का विकास हुआ है। अब रह गया और गांधर्व और गान, मैंने बतलाई दिया कि दोनों सामान्य अर्थ में भी है और विशेष अर्थ में भी है। अब रह गया कि गांधर्व संगीत की क्या विशेषताएं थी, इसको हम दूसरे लेक्चर में लेंगे। मैंने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, यत्तु तंत्री कृतम प्रोक्तम नाना तोद्य समाश्रयम गांधर्वमिति तज्जेयम स्वरताल पदात्मकम। यत्तु तंत्री कृतम, उसके साथ वीणा बजती थी तंत्री, और नाना तोद्य समाश्रयम, और नाना प्रकार के आतोद्य, आतोद्य कहते थे वाद्य को, वाद्य का दूसरा शब्द है आतोद्य। आप माने समन्ता, चारों ओर से तुज माने चोट जिस पर लगाया जाए, वो आतोद्य, और प्राकृत भाषा में उसी का बन गया आवुज। आप देखेंगे जैसे पखावज, तो पखावज कैसे बना है, पक्षातोद्य उसका नाम था पहले संस्कृत में, पक्ष, इसको पक्ष कहते हैं दोनों को, पक्ष से जो आतोद्य स्ट्राइक किया जाए तो पक्ष का हो गया पख, और आतोद्य का आवज, पखावज बन गया। अच्छा, और उधर गुजरात इत्यादि में, बंगाल इत्यादि में उसको पखवाज कहते हैं, पखावज नहीं कहते हैं, वो भी करेक्ट है, पक्षवाद्य, वाद्य का हो गया बाज, और पक्ष का पख, पखवाज, दोनों करेक्ट है। तो नाना तोद्य समाश्रयम, नाना प्रकार के जो वाद्य थे उसका आसरा लेकर के तंत्रीकृत के साथ जो गांधर्व गाया जाए, वो स्वर ताल पदात्कम, स्वर और ताल और पद से युक्त हो, वो है गांधर्व। अब प्रश्न तो ये होता है कि स्वर और ताल और पद के बिना तो कोई भी संगीत नहीं हो सकता, तब इसमें क्या विशेषता है। तो अभिनव गुप्त ने कहा है, स्वर पद ताल विशेषात्मकम, मने स्वर और पद और ताल विशेष प्रकार के, वो क्या, वो हम देखेंगे कैसे विशेष प्रकार के स्वर और ताल और पद, ये विशेष प्रकार के स्वर और ताल और पद जिसमें हो वो गांधर्व होगा, और सब गांधर्व नहीं होंगे। अत्यर्थम इष्टम देवानाम, देवता लोग उसके लिए वो बहुत प्रिय, इष्ट माने प्रिय है। अत्यर्थम इष्टम देवानाम तथा प्रीतिकरम पुनः गंधर्वाणाम,
और गंधर्वों के लिए बहुत प्रीतिकर है। यस्मात तस्मात गांधर्वम उच्चते, क्योंकि गंधर्वों के लिए बहुत प्रिय है, देवताओं के लिए बहुत प्रिय है। अच्छा, फिर कहते हैं दृष्टादृश फलत्वात् च प्रधानम गांधर्वम, यह बहुत जरूरी है। दृष्टादृष्ट गीत की परंपरा क्या थी, वो देवताओं को प्रसन्न करने की परंपरा थी, ये भी देवताओं को प्रसन्न करने की परंपरा थी। तो दृष्टा दृष्ट फल जो है, दृष्ट भी फल है इसका, अदृष्ट भी फल है। इन्हीं के बाद ध से चले आप तभी यही दशा होगी, फिर प से चले तब भी यही दशा होगी। तीन पूर्व में तीन बाद में, मध्यम की पोजिशन जो है वो बहुत विचित्र है। उसको ग्रीक में चुके मेसी कहते थे, मेसी माने मिडल, मध्यम। तो हम एक ये विशेषता हो गई। एक विशेषता क्या हुई, ये सप्तक है बराबर कभी अष्टक नहीं होगा। दूसरी विशेषता क्या हो गई कि मध्यम जो है केवल माने षड्ज ग्राम में ही नहीं, जितनी मूर्छाएं हैं शुद्ध मूर्छनाएं षड्ज ग्राम की, सब में मध्यम बीच में रहे। माने तीन चार तीन दो उसके पूर्व में रहेंगे, चार तीन दो उसके पश्चात में रहेंगे, बराबर मिलता जाएगा। और उसका एक दार्शनिक कारण भी है। मध्य कहते हैं कि जो रियलिटी है वो दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल कारण है उसका। रियलिटी सबका मध्य है। रियलिटी क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है चेतना जो है, चित जो है, चिति जो है, चेतना की शक्ति, उसको चित्ति बोलते हैं, वो सबका मध्य। उसके बिना संसार में कोई काम हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मध्यम के बिना कोई स्वराग्य बन नहीं सकता। इसलिए इन कारणों के द्वारा, इन कारणों के द्वारा उनको मध्यम को अविनाशी मानते थे, वैदिक संगीत में भी और इसमें भी गांधर्व संगीत में। षड्ज को आप ड्रॉप कर सकते थे, मध्यम को ड्रॉप नहीं कर सकते थे किसी भी हालत में। तो इसलिए स्वर ताल पदात्मकम जो कहा है, तो उसका मतलब है स्वर ताल पदात्मकम विशेषात्मकम, विशेष स्वर, विशेष ताल और विशेष पद। आगे चल करके पद में हम देखेंगे क्या विशेषता है। उसमें उन्होंने नियम लगा दिए थे, इतने लघु होंगे, इतने दीर्घ होंगे, पद की जो रचना होगी उसमें प्रत्येक पद की रचना में उनके नियम हैं। ये इस नियम का इतना कठोर बंधन देशी संगीत में नहीं। और ताल इन्होंने रखा चार और तीन, बस चार। उसका कुछ आठ, फिर सोलह, जितना बढ़ाते जाइए, और तीन उसका छह बारह, जितना बढ़ाते जाइए। इसके अतिरिक्त और कोई ताल नहीं। एक तो चंचतपुट कहते हैं चार वाले को, उसको चाटपुट कहते हैं वो लोग तीन वाले को। और यूं भी आप देखें संसार के जितने चाल हैं, दे आर ए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड थ्री। दो और तीन को चाहे जोड़ लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने ताल हैं वैसे ही बनेंगे। इसलिए उन्होंने उसको कहते थे वो लोग युग्म ताल, माने जिसको हम लोग ताक और जूस कहते हैं हिंदी में, ऑड एंड इवन अंग्रेजी में कहते हैं। तो दो जो है वो इवन है और तीन जो है वो ऑड है। हाँ, तो ऑड और इवन इसी का कॉम्बिनेशन वो मानते थे और किसी को नहीं। देशी ताल में तो आगे चल करके 108 प्रकार के ताल हो गए। शारंगदेव के उसमें संगीत रत्नाकर में 108 प्रकार के तालों का वर्णन देशी ताल, ये लोग नहीं मानते। तो पद में भी विशेषता है, स्वर में भी विशेषता है, ताल में भी विशेषता है, इसलिए वो गांधर्व संगीत है। तो यत्तु तंत्री कृतम प्रोक्तम नाना तोद्य समाश्रयम, नाना प्रकार के वाद्यों का सहारा, समाश्रम माने उनका सहारा मिलता था। गांधर्वम इति तज्जेयम स्वर ताल पदात्मकम,
स्वर ताल पदात्मकम पर अभिनव गुप्त की टीका है, स्वर पद ताल विशेष आत्मकम, स्वर पद ताल तो सब में होते हैं। अत्यर्थम इष्टम देवानाम तथा प्रीतिकरम पुनः गंधर्वाणाम च यस्माद्धि तस्माद् गांधर्वम उच्यते, इसलिए उसको गांधर्व कहते हैं। और क्या दृष्टा दृष्ट फलत्वाच्च प्रधानम गांधर्व, गांधर्व की विशेषता यही है कि दृष्ट और दृष्ट दोनों है, और जितने प्रकार के संगीत हैं उनमें केवल दृष्ट फल है, अदृष्ट फल का कोई ठिकाना नहीं। तो हम देखते हैं कि दो दृष्टि से यह अपूर्व था यह संगीत, माने एक दृष्टि उसका स्ट्रक्चरल परफेक्शन, स्ट्रक्चरल माने उसका उसकी बनावट स्वरों की जो थी वो बहुत परफेक्ट थी, संसार के किसी संगीत में इस प्रकार का परफेक्शन नहीं मिलता है। और दूसरा क्या कहते हैं, अदृष्ट फल इससे होता था जो कि औरों में उसका पता नहीं है। इन दो दृष्टियों से गांधर्व जो है अपूर्व संगीत था। और क्या है, नारदादि गुरु संतानानुयायी थी गांधर्व गंधर्वस्य प्रभाव, इसकी एक परंपरा चली आई है नारद से लेकर के और आज तक उनके भरत के जमाने तक की परंपरा जो है, गुरु शिष्य की परंपरा इसकी चली आई है। दो प्रकार के गंधर्व माने जाते थे, देव गंधर्व और मनुष्य गंधर्व, माने एक ऐसे देव गंधर्व होते थे जो कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते थे, और मनुष्य गंधर्व होते थे, एक क्लास होता था उनका, जैसे आजकल इन लोगों का क्लास है, कथक लोगों का क्लास है, ऐसे ही एक क्लास था जो जिनका केवल गाना बजाना पेशा होता था और वो गांधर्व गान करते थे, वो लोग गंधर्व कहलाते थे, उस समय वो मनुष्य गंधर्व कहलाते थे। जातयो अष्टादश इत्येयम् ब्रह्मणाभीतम् पुरा, तो कहते हैं ब्रह्मा से चला आया है ये, मैंने परंपरा दिखला रहे हैं ये अष्टादश 18 जातियां ब्रह्मणाभीतम् पुरा, पहले ब्रह्मा ने उसको गाया और बजाया था, तब से चला आ रहा है परंपरा उसकी। तो इस प्रकार से इसमें और क्या विशेषता थी इसकी, कि गीत और लय इस प्रकार से उनसे प्रतिष्ठित थे कि उसमें कोई विपर्य माने कोई चेंज नहीं हो सकता, नो चेंज वॉज अलाउड। आज हम हिंदुस्तानी एक गीत को मान लीजिए जट ताल में गाते हैं, तो 16 मात्रा के एक और ताल है कोई उसमें गा लेता, उनका ये नहीं हो सकता। जिस ताल में वो बंदिश है उस ताल को छोड़कर चाहे उतनी ही मात्रा का दूसरा ताल हो उसमें नहीं गा सकता। प्रतिष्ठित था, प्रतिष्ठित माने बिल्कुल फिक्स्ड था। तो यह तो गीतम अंगम च द्वयमपि स्वप्रतिष्ठितम तथा ही यस्य सदृशं लय इति स्वरूपादिकं निरूपितं तन्न विपर्य इति मंत्रादिवत, जैसे मंत्र में विपर्य नहीं कर सकते आप, चेंज नहीं कर सकते। गायत्री मंत्र है तो आप कहेंगे ये शब्द हम पहले कहेंगे वो शब्द बाद में कहेंगे, ये नहीं चल सकता। ऐसे ही इसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता, जैसे वैदिक संगीत में कोई चेंज नहीं हो सकता था वैसे इसमें भी कोई चेंज नहीं हो सकता था। ये और विशेषता है उसकी गांधर्व संगीत। और क्या, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधानम, माने लोक और स्वर्ग दोनों इसमें था। प्रवृत्ति कहते हैं लोक के उसको, निवृत्ति कहते हैं लोक से परे, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों इसमें चलता था। इसीलिए कहा है गांधर्वम गान यज्ञ, गांधर्व जो है वो गान का यज्ञ,
गान का यज्ञ है, ये बहुत शास्त्रों में आया है, गांधर्वम गान यज्ञ। और क्या इसमें ग्राम की विशेषता थी। आजकल लोग ग्राम का ट्रांसलेशन स्केल करते हैं, वो ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। स्केल मूर्छना का ट्रांसलेशन हो सकता है, परंतु ग्राम का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ग्राम के माने हैं गोया वादी संवादी स्वरों का एक समूह जिसके आधार पर मूर्छनाएं बनती। सारे मूर्छनाओं का आधार जो है वो है ग्राम, और ग्राम का आधार है स्वर, और स्वर का आधार है श्रुति। इसलिए श्रुति स्वर ग्राम ये तीनों हमारे यहां साथ चलते हैं। स्वर को के अंतराल को हम कैसे जानेंगे, श्रुतियों द्वारा जाने। स्वर बन गए, स्वरों का आगे पीछे पूर्ववर्ती और परवर्ती इन दोनों का संवाद कैसे चलता है ये ग्राम से हम जाने। उस ग्राम के आधार पर जो मूर्छनाएं बनती है मोह स्केल, जो बहुत से लोग ट्रांसलेशन करते हैं ग्राम माने स्केल, वो गलत है। सप्तक माने ऑक्टेव, वो गलत है। सप्तक माने हेप्टेड नॉट ऑक्टेव, और दोनों का भिन्न वह म्यूजिकल कॉनोटेशन है। अब प्रत्येक ग्राम का एक ग्रामणी होता था, जैसे गांव में ग्राम माने समूह, इंद्रिय ग्राम, स्वर ग्राम, ग्राम के माने समूह है। गृह ग्राम गांव में, जो उसको गांव क्यों कहते हैं, क्योंकि गृहों का समूह है वहां, इसलिए ग्राम के माने समूह है। तो जो चौधरी होता था गांव का, उसको कहते थे ग्रामणी, ग्राम का लीडर। चौधरी कहां है इस ग्राम में, चतुश्रुति स्वर जो है वो चौधरी, वो सबको अपने कंट्रोल में रखता है। मैंने सारे ग उसमें षड्ज कंट्रोल में रखता है, पधनी उसमें पंचम कंट्रोल में रखता है, वो कहलाता है ग्रामणी, गांव का चौधरी। उसकी क्या विशेषता है, उसकी ये विशेषता है वो स्वयं तो चतुश्रुति होता है, और सप्तक में दो स्वर उसके संवादी होते हैं कम से कम। मैंने षड्ज जो है वह ग्रामणी है, तो षड्ज का मध्यम और पंचम दो स्वर संवादी मिलेंगे। ऋषभ को अगर आप ग्रामणी बनाएं तो ऋषभ के लिए एक धैवत एक मिलेगा, दो स्वर नहीं मिलेंगे। मध्य ग्राम में पंचम मिल जाएगा, लेकिन षड्ज ग्राम में नहीं। तो दो स्वर उसके संवादी होते हैं, और उसकी अपेक्षा आरोह की ओर अगला स्वर त्रिश्रुतिक होता। मैंने षड्ज को अगर आप ग्रामणी बनाएंगे तो अगला स्वर ऋषभ जो है त्रिश्रुतिक होगा। पंचम को आप बना सकते हैं ग्रामणी, तो अगला स्वर जो धैवत है वो त्रिश्रुतिक होगा। ये तीन शर्तें उस चौधरी के लिए हैं, ग्रामणी के लिए। ये सब बातें गांधर्व संगीत में मुख्य रूप से मिलती हैं, इनका अपवाद वहां पर नहीं है। हो सकता वो भी हो सकता है ग्रामणी, लेकिन अगला स्वर उसको वो नहीं मिलेगा, लेकिन संवाद मिल जाएंगे। दो संवाद मिलेगा, दूसरी संवाद मिल जाएगा, निषाद से संवाद। हाँ,
اچھا آپ ایک بات اور ہے کہ جو مدھیم ہے اس میں پوروورتی اور پرورتی ترکون میں بھی سمباد ہے. ترکون میں سمباد مانے جیسے سرے گا ہے تو س کا سمباد کس سے ہوگا؟ رشب کا سمباد دھیوت سے ہوگا اور گندھار کا سمباد نشاد سے ہوگا. تو یہ سمباد کس روپ سے ہوگا؟ مانے نوشتیوں کا سمباد ہوگا شڈج مدھیم بھاؤ سے یا شڈج پنچم بھاؤ سے, یہ دیکھنا ہے. تو رشب جو ہے اس کا سمباد دھیوت سے ہے, اب جوڑیے اس میں. تو گندھار کے دو شروتی ہو گئے اور مدھیم کے چار شروتی ہو گئے, چار دو چھ اور چار شروتی ہو گئے پنچم کے, دس اور تین شروتی ہو گئے. مانے کیا کہ شڈج پنچم بھاؤ سے جو پورو میں ہیں ان کا سمباد ایک دوسرے سے ہوتا چلا جائے گا. گندھار کا نشاد سے سمباد ہے تو گندھار کا نشاد شڈج پنچم بھاؤ سے تیرہ شروتی کے انترگت پورو میں, اور پشچات میں شڈج مدھیم بھاؤ سے سمباد ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک اور وشیشتا ہے. تو اس پرکار سے اتنی وشیشتاؤں سے یکت جو ہے وہ گاندھرو سنگیت کہلاتا ہے. آج کا وشے یہی ہے کہ گاندھرو کے معنی گاندھرو اور دیوتاؤں کو پرسن کرنے کے لیے درشٹا درشٹ پھل دونوں ہوں جس میں, اور سپتک کے روپ میں ہو, مدھیم جس کا اوناشی ہو, مدھیم بیچ میں ہو, پوروورتی مدھیم کے چار تین دو اور پرورتی مدھیم کے چار تین دو پرتیک بھوچنا میں جس میں ملے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ مدھیم کے پوروورتی جتنے ہیں ان کا سمباد پرورتی سوروں سے شڈج پنچم بھاؤ سے ہے, اور پرورتی جتنے ہیں ان کا سمباد آگے کے سوروں سے شڈج مدھیم بھاؤ سے ہے. اتنی وشیشتائیں جس میں ہوں, اور تال اور پد بھی, اور منتر کی طرح سے جس میں کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا ہے, اتنی وشیشتائیں جن میں ہوں وہ ہے گاندھرو سنگیت. آج کا وشے اس میں سماپت ہوتا ہے. اب آگے چلیں. ایک بات رہ گئی ہے اس میں کہنے کی, بھرت نے لکھا ہے کہ انادی سمپردائے ہے اس کا, تو وہ بھی سمجھ لینا چاہیے انادی سمپردائے سے ان کا کیا مطلب ہے. مطلب ان کا یہ ہے, انہوں نے کہا بھی ہے کہ برہما سے نارد نے سیکھا اور نارد اس سنگیت کو پرتھوی لوک میں لے آئے. تو برہما اور نارد تومر ہیں اس لیے وہ اناد سمپردائے ہو گیا. اب ہم کو دیکھنا ہے شروتی سور گرام مونچھنا جاتی, یہ دیکھنا ہے. تو پہلے پہل ہم لوگ شروتی کو لیں گے. شروتی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ شروتی شبد کا ارتھ کیا ہے. شروتے اتنی شروتی جو سنا جائے وہ شروتی ہے. تو سنا تو بہت کچھ جاتا ہے, سب کو تو شروتی ہم نہیں کہتے ہیں. میں پاریبھاشک شبد میں سب کو تو شروتی نہیں کہتے ہیں, جو کچھ بھی سنا جائے سب کو شروتی نہیں کہتے ہیں. تو سنگیت میں جو منیمم دھونی ہم سن سکتے ہیں, سنگیت کی دھونی, ویسے اور بات چیت کی دھونی نہیں, سنگیت کی دھونی جو منیمم منشیہ کا کان سن سکتا ہے اس کو وہ شروتی کہتے. اب شروتی کا نشچے کیسے ہو, کتنے کو ہم شروتی کہیں گے, اس کا انہوں نے اس کا نام رکھا ہے پرمان شروتی. پرمان شروتی مانے نشچایک شروتی. اس بھرت کے شروتی سدھانت میں جو سب سے پہلے گڑبڑ ہوا وہ یہ ہوا کہ لوگ پرمان شروتی کا ارتھ نہیں سمجھ پائے. پرمان شروتی کا ارتھ انہوں نے لیا میجر کرنا, مانے جتنا کوانٹی اس شروتی کا ہے اتنا ہی سب اور شروتی ہوں گی, یہ ارتھ نہیں ہے پرمان کا. پرمان مانے وہاں پرمانی بھوتا شروتی, مانے اسٹینڈرڈ شروتی کیا ہے, اسٹینڈرڈ ہم کس کو مانیں گے. پرمانی بھوتا یا شروتی سب پرمان شروتی نشچائک شروتی, جو نشچے روپ سے بتلاوے کہ اس کو ہم شروتی مانیں گے.
कुछ न कुछ तो हमको मानना ही पड़ता है। तो भरत ने मध्यम ग्रामे तु पंचम श्रुत्यपकष्ट कार्य, मध्यम ग्राम को पंचम थोड़ा सा उतारें, एवं श्रुति उत्कर्षात अपकर्षात वा यदंतरम मार्दवात आयतत्वात वा तत्प्रमाणम श्रुति। तो कितना उतारें, ऐसा उतारें पंचम को कि वो ऋषभ से मिल जाए। मध्यम ग्राम में पंचम और ऋषभ संवादी माना जाता है, तो इतना उतारें कि वो ऋषभ से मिल जाए और फिर उसको इतना चढ़ा लें कि ऋषभ से उतना ही चढ़ जाए जितना था। इस चढ़ाने उतारने में जो अंतर होता है, फर्क, उसको गोया साइंटिस्ट ने मेजर किया है 81/80। तो पाइथागोरियन कॉमा कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, पाइथागोरस ने उसको मेजर किया, पाइथागोरियन कॉमा 81/80। तो जितना उतारे हम कि ऋषभ से वो संवाद करने लग जाए, फिर चढ़ावें तो ऋषभ से उतने ही चढ़ जाए, ये उतारने चढ़ाने में जो अंतर हमको दिखलाई देता है वो है प्रमाण श्रुति। इसकी आवश्यकता यूं पड़ी कि श्रुति का विभाजन हम तभी कर सकते हैं जब पहले एक स्टैंडर्ड एक श्रुति को हम कायम कर लें। कपड़ा हमको नापना है तो या तो गज या मीटर कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ऐसे ही स्वर हमको जब नापना है तब एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो प्रमाण श्रुति के माने स्टैंडर्ड श्रुति। अच्छा, तो ये प्रमाण श्रुति तो हमको मिल गया। अब उसका निदर्शन माने उसका एक्सपेरिमेंट वो करते हैं कि कितनी श्रुतियां हैं और कौन कौन श्रुति किससे किससे मिलती है। ये वर्ल्ड के म्यूजिक में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है स्वर के बारे में। द्वे वीणे तुल्य प्रमाण तंत्री उपवादन दंड मूचने कृत्वा षड् ग्रामा श्रुते कार्य। दो वीणा षड् ग्राम में मिला के रखना चाहिए और दोनों तुल्य प्रमाण हो, कोई फर्क ना हो बनावट में, तंत्री में उनकी मोटाई चौड़ाई में कोई फर्क ना हो, उपवादन कहते हैं कोण को जिससे बजाया जाता है उसमें कोई फर्क ना हो, दोनों एक ही मूर्छना में मिली हों। इस प्रकार से दो वीणा एक तरह से सब तरह से मिली हुई हम करेंगे। एक पर जिस पर सारणा होगी, सारणा के माने खिसकाने के इधर उधर, तो जिस पर सारणा होगी उसको चल वीणा कहते हैं और जिस पर सारणा नहीं होगी वो अचल वीणा है, उसमें कोई हम खिसकाना वगैरह नहीं रखेंगे। तयोर अन्यतरस्याम पंचमस्य अपकर्षे श्रुतिम मध्यम ग्रामकीम कृत्वा तामेव च पंचम वशात् षड् ग्रामकीम कुर्यात्। तो एक वीणा जो है चल वीणा जिस पर हम सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको क्या करेंगे हम, अन्यतरस्याम पंचमस्य अपकर्षम, पंचम को थोड़ा उतारेंगे तो वह मध्यम ग्राम की वीणा हो जाएगी। यह हमने देख ही लिया है कितना उतारें, षड् माने ऋषभ से मिलाएंगे, उसको ऋषभ से मिला के इतना उतारेंगे कि ऋषभ से मिल जाए, तो अब मध्यम ग्राम की वीणा हो गई। दोनों षड् ग्राम में थे, अब एक को हमने मध्यम ग्राम की वीणा कर दी। तयोर अन्यतरस्याम पंचमस्य अपकर्षे श्रुतिम मध्यम ग्रामकीम कृत्वा तामेव पंचम वशात् षड् ग्रामकीम कुर्यात्। अब उसी पंचम के हिसाब से सबको एक एक उतारना पड़ेगा षड् ग्राम का बनाने के लिए।
पंचम को उतारा तो हमको प्रमाण श्रुति मिल गई। अब षष्ठ ग्राम का आप उतारेंगे तभी तो दोनों का हम समानांतर मिलाएंगे, क्योंकि पहला तो षष्ठ ग्राम में है तो आप षष्ठ ग्राम में कर देंगे। एक श्रुति अपकृष्टा भवती, तो हम देखेंगे कि जितनी सुर हैं वो एक श्रुति उससे कम है। षष्ठ ग्राम वाली जो अचल वीणा है उससे अपकृष्ट है, माने एक श्रुति उतरे हुए हैं। अपकृष्ट माने उतरा हुआ। पुनरपि तद्वेव अपकर्षेत यथा गांधार निषादवंत इतरस्याम ऋषभ दैवत प्रवेक्षत दुश्रुत्य दृष्टि। कहते हैं तद्वत, अब इसी तद्वत में धोखा हुआ तमाम म्यूजिकोलॉजिस्ट को। भातखंडे जी ने समझ लिया कि तद्वत के माने उसी नाप का, माने प्रमाण श्रुति में, और हैं हाँ, और है ये एडवर्ब उसी प्रकार, और तद्वत माने उतना ही नाप का, ये समझ लिया उन लोगों ने। माने जितने नाप का प्रमाण श्रुति था उतने ही नाप का सबको उतराओ, बराबर 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 करो, ये मतलब है नहीं। तद्वत माने ऐसे ही उतारो, उसी प्रकार उतारो। किस प्रकार उतारो वो बतलाते हैं। यथा गांधार निषादवंत इतरस्याम ऋषभ दैवत प्रवेक्षता। एक श्रुति तो अब उतर ही गई है, इसकी उतरी हुई है, अब और इतना उतारो कि इसका जो निषाद और गांधार है वो उसके ऋषभ और धैवत में मिल जाए। माने निषाद धैवत में आके मिल जाए जो अचल वीणा है, और इसका गांधार जो है वो ऋषभ में आके मिल जाए। तो क्या हुआ, हमको दो श्रुति मिल गई। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रमाण श्रुति जितनी थी उतनी ही एक दूसरी हो। पहले प्रमाण श्रुति तो एक श्रुति थी ही, अब ये श्रुति संभव से बड़ी हो, और बड़ा छोटा श्रुतियां आपस में हैं, ये आगे हम लोग देखेंगे पीछे। तो हमको उतारना इतना है कि जो निषाद है वो धैवत में मिल जाए, इसके जो अचल वीणा है और जो इसका गांधार है वो ऋषभ में मिल जाए। तो हमको ये एक श्रुति और हो गई, छोटी हो या बड़ी हो, एक श्रुति पहले थी, एक श्रुति ये हो गई, दो श्रुति हमको मिल गए। द्विश्रुत्यधिकत्वात्, दो श्रुति अधिक हो था तभी तो मिला करके। पुनरपि तद्वत एव अपकृष्टायाम धैवत ऋषभ इतरस्याम पंचम षड्जौ प्रवेक्षतः त्रिश्रुत्य अधिकत्वात्। फिर इतना उतारें कि धैवत और ऋषभ इतरस्याम पंचम षड्जौ प्रवेक्षतः, दूसरी जो वीणा है इसका धैवत उसमें जाकर पंचम में मिल जाए, और इसका ऋषभ जो है उसके षड्ज में मिल जाए। तो हम देखते हैं अब तीन श्रुति हमको मिल गई। मतलब क्या हुआ कि ऋषभ और धैवत जो हैं वो तीन श्रुति के हो गए। तद्वत पुनरपि उसी प्रकार, सब जगह तद्वत उसी प्रकार। धोखा बहुत समय तक ही रहा कि तद्वत माने उतना वाला, एडजेक्टिव अर्थ ले लिया, और संस्कृत भाषा ऐसी है कि तद्वत एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, तो उतने ही वाले में सब गड़बड़ हो गया। तद्वत पुनरपकृष्टा याम पंचम मध्यम षड्जौ इतरस्याम मध्यम गांधार निषादवंतः प्रवेक्षन्ति चतुश्रुत्यधिकत्वात्। फिर इतना उतारे कि पंचम मध्यम और षड्ज, दूसरी वीणा के पंचम जो है वो मध्यम में आके उतरा, और मध्यम आके गांधार में मिला, और निषाद जो है वो आकर के इसमें निषाद में मिल गया। और इसलिए क्योंकि अब चार श्रुति हो गए, पहली श्रुति थी ही, दूसरी श्रुति थी, तीसरी श्रुति हो गई, अब सब मिल गए, चार श्रुति हो गई।
तो हम लोगों ने क्या देखा कि षड्ज, मध्यम और पंचम ये तो चार चार श्रुति के हैं, और ऋषभ और धैवत ये तीन तीन श्रुति के, और गांधार और निषाद दो दो श्रुति के, पांच श्रुति का कोई नहीं है, एक श्रुति का कोई। कहने का मतलब ये है कि एक दो श्रुति से कम में कोई स्वर नहीं बन सकता, क्योंकि स्वर की परिभाषा है मधुर और स्निग्ध अनुरणन। अनुरणन हो लेकिन ऐसा साधारण अनुरणन नहीं, अनुरणन माने टिंकलिंग ई को, साधारण अनुकरण नहीं, मधुर और स्निग्ध अनुकरण जो हो वो स्वर होगा। तो अगर दो श्रुति से कम हुआ तो मधुर और स्निग्ध नहीं होगा, वो नॉइज हो जाएगा, वो स्वर नहीं हो सकता है, म्यूजिकल नोट नहीं हो सकता है, नॉइज जरूर हो जाएगा। और चार से अधिक होगा तो वो भी नॉइज होगा, क्योंकि ह्यूमन ईयर का लिमिटेशन है, इतने तक तो वो मधुर लगता है, उससे ज्यादा आप बढ़ाइए तो वो मधुर नहीं लगेगा, इतना कम होगा तो वहां तक मधुर लगता है, उससे नीचे कर कम कीजिए तो मधुर नहीं लगेगा। इसलिए मधुर की दृष्टि से ये स्वर है। अब ये सवाल तो ये होता है, परंतु जो बीच की श्रुतियां थी वो क्या है, और बीच की श्रुतियों से और इन स्वरों से आपस में संबंध क्या है, ये प्रश्न भरत ने नहीं उठाया है, ये प्रश्न मतंग ने उठाया है, इसको हम लोग विचार कर लें। मतंग का यह कहना है कि बीच की जो श्रुतियां, जैसे अब उन्होंने कहा कि श्रुत्यंतर ऋषभ जो है वो अंतर श्रुति तीन का है षड्ज से, तो पहले तो अंतर का अर्थ हमको देखना है। अंतर के माने अंतराल के नहीं, इंटरवल नहीं है, अंतर माने वहां का जो तीन के बाद वाला जो स्वर है उसका स्थान है, बीच का इंटरवल नहीं है, बीच के इंटरवल से हमको कोई मतलब नहीं है, जो स्थान उसका है वो तीसरे पर है, तीसरी श्रुति पर है। सब बीच की श्रुतियों को क्या कहें, तो दो डिस्टिंक्शन किया है मतंग ने, अंतर श्रुति और स्वर श्रुति, ये इंपॉर्टेंट है। श्रुतियां दो प्रकार की हैं, एक बीच की श्रुतियां जो कि हमको स्वर नहीं देती, और स्वर श्रुति वो श्रुति जो कि हमको स्वर दे दे। तो बीच की श्रुतियां जो हैं वो अंदर श्रुति कहलाती हैं, और जहां पर जिस श्रुति पर वो एक स्वर बोलता है वो स्वर श्रुति कहलाता है। तो ये तो तय हो गया। अब प्रश्न ये होता है कि श्रुति और स्वर का क्या रिलेशन है, इसके ऊपर चार पांच थियोरीज हैं, वो मैं मतंग से आज बतलाता हूं। एक तो थियरी है तादात्म्य की थ्योरी, तादात्म्यम च विवर्तत्वम कार्यत्वम परिणामिता अभिव्यंजकता चापि श्रुति नाम परिकथ्यते। ये श्लोक लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने भरत ने इसको डील नहीं किया और ग्रंथकारों ने भी नहीं डील किया, आखिरकार श्रुति और स्वर का रिलेशनशिप क्या है। तादात्म्यम च विवर्तत्वम कार्यत्वम परिणामिता, परिणामिता तादात्म्यम च विवर्तत्वम कार्यत्वम परिणामिता अभिव्यंजकता चापि श्रुति नाम परिकथ्यते। पांच थियरीज हैं इसके बारे में। एक थियरी तो यह है कि भाई श्रुति और स्वर में कोई भेद नहीं, तादात्म्य है, दोनों आइडेंटिकल है, जो श्रुति है वो स्वर है, जो स्वर है वो श्रुति। अब पीछे कंसिडर करेंगे कहां तक राइट है, थियरी पहले हम लोग देख लें। एक थियरी तो यह है,
दूसरी थियोरी यह है कि विवर्त स्वर जो है श्रुति का विवर्त है। विवर्त माने क्या, जैसे शीशे में हम खड़े होते हैं तो दाहिना बायां हो जाता है, बायां दाहिना हो जाता है, आगे वाला पीछे हो जाता है, पीछे वाला आगे हो जाता है रिफ्लेक्शन में, उसको बोलते हैं विवर्त। माने वहां एक इल्यूजन पैदा होता है, भ्रम सा पैदा होता है, उसको कहते हैं विवर्त। तो वह कहते हैं दूसरी थियरी यह है कि भाई स्वर और कुछ नहीं, श्रुतियों के विवर्त हैं, श्रुतियों का उलट पुलट हो गया वहां पर, यह दूसरी थियरी है। तीसरी थियरी क्या है, कार्यत्वम, वो श्रुति कारण है और वो उसका कार्य है, इफेक्ट है, ये तीसरी थियरी है। चौथी थियरी क्या है, परिणाम है, परिणाम माने ट्रांसफॉर्मेशन, स्वर और कुछ नहीं है, वो श्रुतियों का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिणाम माने ट्रांसफॉर्मेशन। और पांचवी थियरी यह है कि श्रुतियां जो हैं स्वर की अभिव्यंजक हैं, उनको व्यंजना करती हैं, उनको सजेस्ट करती हैं, व्यंजना के माने सजेस्ट करने के, सजेस्ट करती हैं। ये पांच थियरी श्रुतियों की है। अब एक एक का देखेंगे। कहते हैं वो तादाद में तो हो नहीं सकता। क्यों, क्यों नहीं हो सकता, आश्रय और आश्रयी इसके भेद होने से। श्रुतियां जो हैं वो आश्रय हैं, आधार हैं, और स्वर जो है आश्रयी है, तो आश्रय और आश्रयी एक कैसे हो गया। ये एक आश्रय है, इसके ऊपर जो ये है वो रखा हुआ है, जो ये आश्रयी है, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे। श्रुति के ऊपर बेस्ड है स्वर, तो बेसिस एंड दैट विच इज बेस्ड, ये दोनों एक कैसे हो जाएंगे। इसलिए ये सिद्धांत नहीं चल सकता, तादात्म्य का सिद्धांत नहीं चल सकता, दूषित है। आश्रय आश्रय भेदात तादात्म्यम नैव सिद्ध्यति, आश्रय और आश्रय का भेद है, दोनों एक नहीं हो सकते, इसलिए तादात्म्य का सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। ये इतना चाहे लिख लें आप, आश्रय आश्रय भेदात तादात्म्यम नैव सिद्ध्यति, आश्रय और आश्रय में भेद है, इसलिए तादात्म्य सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, तो विवर्त माने भाई, तो कहते हैं भाई ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। यद भाणी विवर्तत्व श्रुति नाम तद असंगतम, ये भी असंगत है। क्यों, विवर्तत्व सुराणाम भ्रांति ज्ञानम प्रसज्यते, अरे विवर्त में अगर स्वर को विवर्त माने तो भ्रांति पैदा हो जाएगी कि ये षड्ज है या ऋषभ है या क्या है। विवर्त में तो भ्रांति हो सकती है ना, और स्वर में तो कोई भ्रांति होती नहीं है, स्वर में तो कोई भ्रांति होती नहीं है, इसलिए ये भी सिद्धांत ठीक है। स्वर श्रुति का विवर्त नहीं हो सकता। कार्य कारण भावस्तु स्वर श्रुत्योर न संभवे, श्रुति नाम यह सद्भावे प्रमाणम नैव विद्यते, और कार्य कारण भाव जो है वो भी सिद्ध नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कार्य कारण भाव जो है वो वहां होता है जहां पूर्व वृत्त हो और पश्चात वृत्त हो, एक पहला गुजर जाए और पश्चात पीछे आवे, वो पश्चात वाला जो है कार्य होता है, पूर्व वृत्त वाला जो होता है वो कारण होता है। यहां तो जहां वो स्वर श्रुति पर आए खट से स्वर हो जाता है, साथी हो जाते हैं, तो ये भी बात नहीं चल सकती।
परिणामो अभिव्यक्तिस्तु न्याय पक्षस्ताम मतः इति तामन्मया प्रोक्तम तादाद्यादि विकल्पनम। वो कहते हैं फिर अब बचा क्या, दो सिद्धांत बचे, परिणाम और अभिव्यंजकता। कहेंगे ये दोनों हो सकते हैं, चाहे परिणाम मान लो चाहे अभिव्यंजक मान लो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आकर के हो जाता है श्रुतियों का स्वर में, अथवा ये मान लो कि वहां अभिव्यंग भी हो जाते हैं स्वर, ये मान लो। मेरी थियोरी एक अलग है, और मेरी थियोरी है स्फोट की थियोरी, उसको कहते हैं स्फोट। जैसे हम बोलते हैं कलम बोलते हैं जैसे, या पुस्तक बोलते हैं, तो पू से अभी कुछ नहीं होता, त से भी कुछ नहीं होता, क पर आने पर पू और त दोनों तीनों मिल करके फूट जाते हैं पुस्तक, तीनों साइमल्टेनियसली फूट उठते हैं, स्फुटित हो जाते हैं पुस्तक में। वही दशा जैसे साधारण ध्वनि में ऐसा होता है, वही दशा संगीत में है, उसको मैं कहता हूं स्फोटवाद। ये मेरी अपनी पर्सनल थियोरी है। स्फोटवाद व्यंजकता से बहुत कुछ मिलता जुलता है, मतलब यह है कि द प्रीसीडिंग श्रुतिज एक्सप्लोड इन टू अ स्वरा ऑन द थर्ड श्रुति, द प्रीसीडिंग श्रुतिज एक्सप्लोड इन टू अ स्वरा ऑन द फोर्थ श्रुति, the preceding shruti is explored into a swara on the second shruti. Explosion ki theory hai ye, photvad. Lekin hai ye interesting, is prashn ko aur kisi ne uthaya nahi hai, keval Matang ne uthaya hai isko, is prashn ko. Haan? हाँ मौन है, सब कुछ नहीं लिखा है मतंग ने भी, उन्होंने भी दत्तिल ने भी नहीं लिखा है, केवल मतंग ने इस प्रश्न को उठाया है। तो अब इन श्रुतियों का अंतराल देखने के लिए उन्होंने मंडल प्रस्तार बनाया है, जरा आप ब्लैक बोर्ड पर इस मंडल प्रस्तार को लिख दीजिए षड्जग्राम के, और इसके इसमें सब स्पष्ट हो जाएगा, ये षड्जग्राम का, ये मध्यम ग्राम का। श्रुति का अंतर दो, श्रुति का अंतर है, दैवत जो है 20 पर है और निषाद 22, मध्यम में केवल पंचम का भेद है और भेद नहीं है, क्योंकि पंचम ऋषभ से संवाद करता है। ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये दो ग्राम ऐसे षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम बनाने की क्या अवस्था पड़ गई भारत को। बात यह है कि जो कुछ भी सिद्धांत चाहे वेद का हो चाहे गांधार का, जो कुछ भी बना है वो उस समय जो प्रचलित लोकगीत थे उन्हीं को लेकर के इन्होंने बनाया, और कुछ लोग गीतों में देखा उन्होंने कि पंचम और ऋषभ का संवाद होता, तो षड्जग्राम में तो पंचम और ऋषभ का संवाद था नहीं, उनको भी अवकाश देने के लिए उनको एक दूसरा ग्राम मानना पड़ा मध्यम ग्राम का पंचम। आज भी यदि आप देखें अपने तंदूरे को आप षड्ज मध्यम भाव से मिलावें तो आप देखेंगे कि बागेश्वरी जो है उसका पंचम थोड़ा सा उतरा हुआ है, उतना पंचम नहीं है जितना कि औरों में सुरों में जैसे बिलावल में जितना है उतना नहीं है। अच्छे दरबारी में भी आप देखेंगे थोड़ा सा पंचम उतरा हुआ है, और ऋषभ भी थोड़ी उसी मात्रा में थोड़ा सा उतरा हुआ आपका कान बतलाएगा। तो ऐसे कुछ राग थे या कुछ लोकगीत थे जिनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको अवकाश देने के लिए उनको ये दूसरा ग्राम बनाना पड़ा।
भरत ने इसके बाद कहा कि इन सुरों में, सुरों में अंश, संवादी, अनुवादी और विवादी, ये परस्पर जो उनका रिलेशनशिप जो है वो होता है। तो अंश स्वर क्या थे, जिसको आजकल हम की नोट कहते हैं, माने जहां से हम आरंभक स्वर जिसको बोलते हैं, जहां से आरंभ करेंगे वो अंश स्वर। उस समय में अंश स्वर क्योंकि मूर्छना का सिद्धांत था, अंश स्वर बदलते रहते थे। आज तो सबका अंश स्वर षड्ज हो गया, चाहे जहां से आप आरंभ कर रहे हैं उसी को षड्ज मान लेते हैं, प्रारंभक स्वर। षड्ज माने प्रारंभक स्वर मान लेते हैं, वही षड्ज मान के चलते हैं, वही सबका अंश स्वर हो जाता है। परंतु प्राचीन समय में प्रत्येक मूर्छना में अंश स्वर बदलता रहता था। षड्ज से चलते थे, फिर निषाद से चलते थे, निषाद अंश स्वर हो गया, फिर धैवत से चलते थे, धैवत अंश स्वर हो गया, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से जब ऋषभ से चलते थे तब कोमल ऋषभ उनको मिल जाता था, जब ऋषभ को अंश स्वर बनाते थे, आगे चल करके हम लोग देखेंगे, तब उनको कोमल ऋषभ मिल जाता था। उसी प्रकार से उनको कोमल धैवत, कोमल ऋषभ, कोमल धैवत अलग स्वर उस समय कोई नहीं थे, यद्यपि प्रयोग में दोनों थे परंतु अलग स्वर वो नहीं माने जाते थे। तो संवादी स्वर कौन है, संवादी स्वर हैं जिनमें 9 और 13 का अंतर हो। तो षड्ज और मध्यम ये संवादी है, षड्ज, ये षड्ज मध्यम भाव से संवादी है, मैंने 9 का अंतर है, और षड्ज और पंचम संवादी है, मैंने षड्ज पंचम भाव से है, 13 का अंतर है। ऐसे ही ऋषभ और धैवत संवादी हैं, ऐसे ही गांधार और निषाद संवादी हैं। तो 2 प्रकार के संवादी स्वर होते थे, जिसको ये भरत ने दूसरा नहीं लिखा, एक तो स्वर संवाद और दूसरा राग संवाद। माने 7वें स्वर पर, जैसे षड्ज और गांधार जो है उनका 7 का अंतर है, क्योंकि अंतर गांधार जो है वो 11वें पर है और षड्ज जो है 4 पर है, तो 7 का अंतर है। तो 7वां जो है वो राग में ठीक बनता है, उसका संवाद रहता है, स्वर संवाद नहीं। स्वर संवाद उसको कहते हैं जहां उतनी ही संख्या हो श्रुति की, उसको तो स्वर संवाद कहते हैं। जहां कुछ कान को बुरा न मालूम पड़े, अनिष्ट न मालूम पड़े, इष्ट मालूम पड़े, वहां राग संवाद है। तो षड्ज और शुद्ध अंतर गांधार में राग संवाद है, स्वर संवाद नहीं है। षड्ज और मध्यम में स्वर संवाद है, षड्ज और पंचम में स्वर संवाद है, क्योंकि षड्ज भी 4 श्रुति का है, मध्यम भी 4 श्रुति का है, षड्ज भी 4 श्रुति का है, पंचम भी 4 श्रुति का है। जितनी श्रुति संख्या का एक स्वर है, उतनी ही श्रुति संख्या का दूसरा स्वर जब होगा तब वो कहलाएगा स्वर संवाद। और जब दोनों में कोई बुरा न मालूम पड़े, अनिष्ट न मालूम पड़े, कान को इष्ट मालूम पड़े, परंतु उतनी ही संख्या न हो श्रुतियों के, तब वो कहलाता है राग संवाद। अब विवादी स्वर कौन है इनमें, जहां 2 का अंतर हो, जैसे ऋषभ और गांधार जिसमें 2 श्रुति का अंतर है, धैवत निषाद जिसमें 2 श्रुति का अंतर है, ये 2 परस्पर विवादी स्वर है, और शेष जितने हैं वो सब अनुवादी, माने षड्ज के साथ वो बुरे नहीं मालूम पड़ते हैं, षड्ज के साथ सब वो चलते हैं, यद्यपि वो संवाद नहीं है उनका, परंतु अनुवाद जरूर है। ये रहा संवाद और अनुवाद का। श्रुति और स्वर के विषय में विचार कर रहे थे, श्रुति के विषय में थोड़ी सी बात आज और कह करके आगे के उसमें मूर्छना पर हम लोग चलेंगे। ये
विभाग के विषय में मतंग का जो बृहद्देशी है उसके ऊपर जो वृत्ति है उसमें एक बात उन्होंने और कही है। जैसे आजकल ग्राफ बनता है वैसे श्रुतियों के अंतराल के लिए उस समय भी ग्राफ होता था जिसको वो लोग कहते थे प्रस्तार। तो तीन प्रकार का ये भरत में नहीं है मगर बृहद्देशी में है, तीन प्रकार के प्रस्तार उन्होंने बतलाए हैं ग्राफ। एक तो दंड प्रस्तार, दूसरा वीणा प्रस्तार, तीसरा मंडल प्रस्तार। तो तीन प्रस्तार उस समय प्रचलित थे, सबसे अच्छा उसमें मंडल प्रस्तार है। दंड प्रस्तार जो है वो क्या है, केचित दंड प्रस्तारेण दर्शयन्ति द्वाविंशत श्रुतयो द्वाविंशत श्रुति को 22 श्रुति को कुछ लोग दंड प्रस्तार से कहते हैं। तो दंड प्रस्तार इस तरह का होता था, जरा सा इसके बाईस श्रुतियां हैं और इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते थे इसको, चार श्रुति पर षट रखा, तीन श्रुति पर ऋषभ रखा, दो श्रुति पर गंधार, ये इस तरह से एक्सेट्रा। ये उनका उस जमाने का दंड प्रस्तार था जिसमें कि वो श्रुतियों को रिप्रेजेंट करते थे। और दूसरा है वीणा प्रस्तार। वीणा प्रस्तार के विषय में जिन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला कि वीणा प्रस्तार से इनका क्या मतलब है, जहां तक अनुमान मैं करता हूं मतंग के समय में किन्नरी वीणा बन चुकी थी और किन्नरी वीणा पर सारिकाएं प्रेट्स लग चुके थे। तो वीणा प्रस्तार लगता है संभवतः फ्रेट्स पर नाप करके वो लोग श्रुतियों को समझते थे। इन्होंने कुछ लिखा नहीं, केवल नाम लिखा वीणा प्रस्तार का। तीसरा है मंडल प्रस्तार। मंडल प्रस्तार एक दिन मैंने बनाया था, ऊपर नीचे वो हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, त्रियत ऊर्ध्वम च पंच षट रेखा इत्येका उभय तो द्वाविंशति। हॉरिजेंटल त्रियक लाइंस जो है पांच और ऊर्ध्व पर वर्टिकल लाइंस छह, ऐसे करके तमाम षट ऋषभ गंधार एक दिन मैंने बनवाया था। तो ये उस काल में ये श्रुतियों के रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था उस काल का। अब श्रुतियों के विषय को समाप्त करने के पहले एक बात और देखनी है, उसको देख करके फिर हम लोग आगे मूझना पर आएंगे। वो क्या है कि चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्य मध्यम पंचमाः द्वे द्वे निषाद गांधारौ त्रिश्रभ धैवतौ, कि चार चार षड्य मध्यम पंचम के हैं, निषाद गंधार की दो दो श्रुतियां हैं, तीन तीन ऋषभ धैवत की हैं। इस प्रकार से आजकल जो हमारा स्वर सप्तक है उसमें ये लगेगा कि नहीं लगेगा। भरत के समय में तो ये लगता ही था ही ऐसा। तो भातखंडे जी ने बहुत विचार किया और उनको ये सूझा कि अगर हम वहां तो श्रुति के अंत पर अंतराल रखते थे चार, मैंने चार श्रुति नाप के चौथे श्रुति पर षट रखा, फिर दो श्रुति नाप के छठवें श्रुति पर ऋषभ रखा। इन्होंने कहा अगर हम पूर्व में ही रख दें, षट पर रख दें और मैंने पहली श्रुति पर रख दें और चार श्रुति के बाद फिर दूसरी जो ऋषभ आता है उसकी पहली श्रुति पर रख दें, तो आजकल का जो हमारा सप्तक है वो चतुष्चतुष्चतुष्चैव के
उसमें आ जाएगा। जरा इसको बनाइए, इसको गांधार वर्टिकल तक कोई जरूरत नहीं है, इसे हॉरिजॉन्टल ही रखिए। प्रतीत बना लीजिए, हाँ, और पहले पर शर्ट को रखिए। एक दो तीन चार, पहले पर शर्ट बना दीजिए, साकार जी। अच्छा, अब दो तीन ऋषभ का आएगा, तो पहले जो पहला तीन ऋषभ का है उस पर ऋषभ डाल दीजिए। तीन ऋषभ का होगा, ऐसे ही दो गंधार के पर डाल दीजिए। अच्छा, अब आजकल हमारे इसका क्या दशा है कि चार षड्ज है, फिर उसके बाद ऋषभ जो है वो आजकल चढ़ा हुआ है, वो चार सुतियों का है, और गांधार जो है वो आजकल जो अंतर गंधार था भरत का वो है गांधार, और इस प्रकार से तो हम देखते हैं कि प्रथम भातखंडे जी ने यह सोचा कि यदि हम प्रथम पर रखें तो आजकल जो स्थिति है हमारे सो कॉल्ड ग्राम की या सप्तक की, वो स्थिति में वो भरत का ये सूत्र लग जाएगा। पर एक बात उन्होंने नहीं देखी कि हम पहले पर नहीं रख सकते। कारण क्या है? कारण यह है, जब हम कहीं नापते हैं तो जहां से हम चलते हैं वो जीरो होता है। जैसे हम कहें यहां से गुदवलिया 3 मील है, तो यहां यहां तो जीरो हो, यहां से तो हम चले ही हैं, यहां पर कोई हम मील या कुछ नहीं रख सकते। औरों के की अपेक्षा में तो रख सकते हैं, कोई दूसरा यहां आता हो यूनिवर्सिटी तो वो जीरो अपना रखेगा, इसको करेगा, है ना। हाँ, दूसरा जो आवेगा उसके लिए तो ये ठीक होगा, लेकिन हम यहां से चलते हैं तो यहां तो हमारा कोई नहीं, तो जीरो ही मानना पड़ेगा। तो हाँ, पहले साल नहीं माना जाएगा। उन बेचारों ने ये कोशिश की कि भरत का सूत्र अब आजकल के सप्तक में कैसे लगाएं, तो उनको ये सोचा कि अगर हम पहले पर रखें तो लग जाएगा। बात तो है सही, लेकिन पहले पर रखना ही जो है ये इरेशनल है, ये नहीं लग सकता है। अच्छा, और मान लीजिए अगर हम इसको रखें भी तो उसका परिणाम क्या होगा, यह हमको देखना है। अब भरत का जो है वो तो चौथी पर षड्ज है, चौथी श्रुति पर, इनका पहली श्रुति पर है, तो पहला परिणाम तो यह होगा कि धैवत जो है मध्यम के पश्चात इनके हिसाब से 8 श्रुतियों के अंतर पर आ गया है, और भरत का धैवत जो है मध्यम के पश्चात 7 श्रुतियों पर, 1 श्रुति का वहां भेद हो गया। फिर पंचम जो है ऋषभ के पश्चात इनके हिसाब से 9 श्रुतियों के अंतर पर आ गया है, और भरत का पंचम ऋषभ के पश्चात 10 श्रुतियों पर स्थित है, तो दोनों में वैषम्य फिर भी हो गया। यद्यपि इन्होंने यह कोशिश की कि किसी प्रकार से दोनों का साम्य हो जाए आज के सप्तक से,
और भरत के सप्तक से, और कोशिश करने पर भी बेचारे ये बात बनी नहीं। तो आज का सप्तक जो है वो श्रुतियों के हिसाब से, उस भरत की श्रुतियों के हिसाब से हम नहीं रख सकते। और एक बात और है, ऋषभ जो है आजकल एक श्रुति ऊपर चढ़ा हुआ है, तीन श्रुति का ऋषभ है ही नहीं। तो किसी बात से भरत के सूत्र जो है आजकल के सप्तक में नहीं लगाया जा सकता है। इतनी बात तो अब श्रुतियों का सब समाप्त हो गया। अब भरत ने सप्तक शब्द जो रखा है वो सात ही स्वर का रखा है, वो सात से अधिक स्वर नहीं मानते थे। केवल अंतर गांधार और काकली निषाद दो स्वर वो और मानते थे। अंतर गांधार और काकली निषाद को फिर भी उन्होंने वो दर्जा नहीं दिया है जो कि और स्वरों को दिया है। क्यों क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अंतर गांधार और काकली निषाद किसी जात के अंश स्वर नहीं हो सकते। भरत का ये नियम था, माने दे वर नॉट प्रिंसिपल नोट्स, दे वर ऑक्सिलियरी नोट्स, वो सहकारी स्वर के रूप में तो आ सकते थे, इसीलिए भरत ने विकृत कहा। वो शुद्ध स्वर नहीं है, सहकारी के रूप में आ सकते थे लेकिन शुद्ध के रूप में नहीं आ सकते थे। केवल शुद्ध ही स्वर जो है वो अंश स्वर हो सकते थे। ये बात भी और समझनी है। वैसे वो विकृत स्वरों को लेकर के नौ श्रुति तक तो वो मानते थे, और कोमल ऋषभ कोमल धैवत तो उनके यहां था ही नहीं, केवल मूर्छना के भीतर वो आ सकता था। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम जब जाति पर आएंगे तब इसको विचार करना पड़ेगा। अब हम मूर्छना पर आएंगे। दो शब्द मिलते हैं, अंतर गांधार के और काकली निषाद के। एक तो गांधार के लिए अंतर और निषाद के लिए काकली, परंतु एक सामान्य शब्द भी है उनके यहां, साधारण। साधारण माने क्या? कि जो दो सह आधार, आधार का साथ बने, क्या कि जो दो का आधार लिए हुए हो, जो अंतर गांधार है वो शुद्ध गांधार का भी आधार लिए हुए है और मध्यम का भी आधार लिए हुए है। दो श्रुति उसने मध्यम से ले लिया और दो श्रुति वो शुद्ध गांधार से चढ़ गया, बीच में अंतर गांधार आ गया। तो शुद्ध गांधार और मध्यम दोनों का आधार स्व आधार साधारण, दो का आधार लिए हुए हो, ऐसी काकली निषाद जो है धैवत का आधार और षड्ज का आधार, दो का आधार लेकर के बीच में स्थित है। तो साधारण शब्द जो है जी हाँ निषाद का, सॉरी, तो दो का जो आधार लेकर बने स्वर वो है साधारण। साधारण का यह अर्थ है। अब हम आते हैं मूर्छना पर। मूर्छना शब्द जो है वो संस्कृत के मूर्छ धातु से, और मूर्छ धातु का दो अर्थ है। एक तो अर्थ है उच्छ्रायस और एक अर्थ है मूर्छा, कहते उसको मूर्छा आ गई, बेहोशी आ जाना। तो यहां पर मूर्छा अर्थ नहीं है, यहां उच्छ्रायस अर्थ है। उच्छ्रायस अर्थ माना है दमक, चमक, उभार। केवल स कहने से चमक नहीं आती, उभार नहीं आता,
सारे ग म प ध तो चढ़ता चला जाता है, तब उभार एक आता है। इस अर्थ में यहाँ मूर्छना शब्द है, उभार के अर्थ में है, मूर्छित होने के अर्थ में नहीं है। आगे चल करके देशी रागों में मूर्छित शब्द एक दूसरे अर्थ में आने लग गया। हल्का सा आंदोलन जहां आ जाए वहां कहते हैं, जिसे आगे चल करके देशी रागों में ये मिलेगा कि ये स्वर मूर्छित है, तो वो स्वर मूर्छित माने क्या? वो स्वर जैसे जिसका हम लोग आंदोलन कहते हैं, ना ना तो इधर है ना उधर है, बीच में थोड़ा सा हिल रहा है, उस अर्थ में भी आया है देशी रागों में मूर्छा के। जैसे मूर्छा में ऐसे ऐसे होता है आदमी को, वैसे कहते हैं अमुक स्वर मूर्छित है। जैसे दरबारी में गांधार आंदोलित है अब तो कहते हैं, उस समय कह देते थे ये मूर्छित है। ऐसे किसी सिंह राग में धैवत को कहा उन्होंने मूर्छित है, वहां उनका अर्थ होता था आंदोलित का कि इधर उधर डोल रहा है, अपने ठीक दिशा में नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। और यहां मूर्छना का शब्द का अर्थ जो है केवल उत्सायस है। क्रमयुक्ता स्वराह सप्त मूर्छना मूर्छनास्तु अभिसंगीता। क्रमयुक्त माने स के बाद अगर ग आप कहेंगे तो ये मूर्छना नहीं बनेगी। स रे ग, ये बात और है कि मूर्छना में ये लोग उसको तान कहते थे, मूर्छना नहीं कहते थे, मगर मूर्छना ही में ओडो और शाडो रूप बनाते थे, शाडो में एक स्वर छोड़ दिया, मगर वो आरोह क्रम से एक क्रम से बनाते थे। तो स के बाद अगर आप ग रे ऐसा बोलें, स ग रे और प म ध ऐसा बोलें तो मूर्छना नहीं होगी। ये मूर्छना जो है यही जिसको आजकल हम लोग स्केल कहते हैं, ग्राम स्केल नहीं है, ग्राम आधार है। ग्राम तो एक टोनल सिस्टम है और वह आधार है मूर्छना और तान इत्यादि का, जाति इत्यादि का। अब भरत ने मूर्छनाओं के चार प्रकार कहे। पहला तो शुद्धा जिसमें सब शुद्ध स्वर, दूसरा है अंतर संहिता माने जिसमें अंतर गांधार एक आ जाए, और तीसरा है काकली संहिता जिसमें काकली निषाद आ जाए, और चौथा है अंतर काकली संहिता जिसमें अंतर और काकली गांधार और काकली निषाद दोनों आ जाए। इस प्रकार के भरत ने चार प्रकार की मूर्छनाएं बतलाई हैं। अब उनकी मूर्छनाओं का क्रम हम लोग देखेंगे। ये मूर्छनाओं का सिद्धांत जो है वो वैदिक संगीत साम वैदिक संगीत के आधार पर बना। साम वैदिक संगीत पर हम लोगों ने वैदिक संगीत पर गत वर्ष देखा था कि वो अवरोही क्रम था स्वरों का, तो मूर्छनाओं का भी अवरोही क्रम रखा है उन्होंने। पहले षड्ज की मूर्छना रखी है, जरा इसको बोर्ड पर लिखिएगा।